मायोपिया या माइनस पावर का चश्मा एक ऐसी एंटिटी है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। ये जनरली बच्चों में लगता है, ये चश्मे का नंबर ये 6 से 8 साल की उम्र पे शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता है एंड अराउंड 18 ईयर्स पर ये कॉन्स्टेंट हो जाता है। आज हम एक और कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्री मायोपिया, यानी कि ऐसी स्टेज जो मायोपिया से पहले की एक स्टेज है। इस ये स्टेज जनरली उन बच्चों में शुरू होती है जिनकी एज 3 to 6 ईयर्स होती है, और अगर इसका टाइमली पता चल जाए तो हम या तो मायोपिया को रोक सकते हैं, या अगर मायोपिक होता भी है बच्चा तो बहुत ज्यादा हाई पावर नहीं होगा। तो इसी प्री मायोपिया की आज हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मोहिता शर्मा, सीनियर आई स्पेशलिस्ट एंड फेको रिफ्रैक्टिव सर्जन एट तिरुपति आई सेंटर, जो कि नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आई हॉस्पिटल्स है एट सेक्टर 33 नोएडा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्री मायोपिया आखिर क्या चीज है। प्री मायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि 3 से 6 साल के बच्चों में होती है, और इसमें उनका पावर होता है +0.75 से कम, यानी कि -0.5 से लेके +0.75 तक। नॉर्मली तो अब तक हम ये मानते थे कि ये पावर ही नहीं है, बट आज की डेट में हम इसको प्री मायोपिया मानते हैं और इसका भी ट्रीटमेंट जरूरी है। इसको डायग्नोस करने के लिए बच्चा जिसकी आंखें अदरवाइज नॉर्मल है, रूटीन एक आई चेकअप के लिए जब आता है तो उसमें हम डायलेट करके ड्रॉप्स डालते हैं, आई में से जितना भी आर्टिफिशियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है वो हटा देते हैं, और जब ये हटाते हैं तो एक्चुअल पावर हमारे सामने आता है। और अगर ये -0.5 से +0.75 तक है तो इसको हम प्री मायोपिया डायग्नोस करते हैं। प्री मायोपिया उन बच्चों में ज़्यादा खतरनाक है जिन बच्चों में हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो, या उनकी आउटडोर एक्टिविटीज कम हो, 1.5 घंटे से कम हो, या उनका वन या बोथ पेरेंट्स चश्मा लगाते हों ऑलरेडी। तो ऐसे में जरूरी है कि उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, या तो आज तक तो हम लोग इस चीज़ का इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया करते थे, लेकिन करंटली हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि अगर प्री मायोपिया है तो हम इसमें एक स्पेशल टाइप की आई ड्रॉप्स देते हैं या एक स्पेशल टाइप का चश्मा देते हैं, जिससे कि ये प्री मायोपिया वहीं पर या तो रुक जाता है, मायोपिया पे कन्वर्ट नहीं होता, या अगर कन्वर्ट भी होता है तो बहुत ही कम तेजी से बढ़ता है और उतना हाई नहीं होता कि वो रेटिना को डैमेज कर सके। तो ये एक तरीका है जिससे हम ब्लाइंडनेस से बच्चों को बचा सकते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि जो भी 3 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो भी एक ईयरली चेकअप किया जाए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जरूर जवाब देंगे, या हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाके और भी डिजीजेस के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।